ग्रेविटेशन में, नीट में जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेविटेशन से, नीट और जेई में बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर भी है बच्चों, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, चैप्टर है ये। तो आइए देखते हैं उसमें क्या होता है। ग्रेविटेशन आप जानते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बीच, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है, पहले फोर्स फिर एक्सेलरेशन और बहुत सारे कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे ना, इसके वेलोसिटी पढ़ेंगे। देखिए क्या होगा, ग्रेविटेशन में सबसे पहले हमें पढ़ना है, जैसे आप देखते हैं कि प्लेनेट होता है ना, प्लेनेट क्या है, वैसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो सन के चारों ओर मूव करता है, रिवॉल्व करता रहता है, वैसे उसको क्या बोलते हैं, प्लेनेट बोलते हैं। स्टार्स होता है ना जैसे, वो सब तो बेसिक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि न्यूटन ने कहा, इसमें सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे पहला। इसमें क्या हुआ, न्यूटन ने कहा कि यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दुनिया के यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच, किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मास होता है, मास तो हर ऑब्जेक्ट में है ना, एयर पार्टिकल में भी है ना, एटम में भी मास है, जो हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ एयर पार्टिकल है इसमें भी मास है ना, तो इसमें मास होता है, और जिस बॉडी में भी मास होगा उसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स ही लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा है ना, ये यूनिवर्सल फोर्स कहा गया इसको, यूनिवर्सल फोर्स, ये कभी नहीं बदलेगा, दो मास वाले बॉडी के बीच ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम मेजर करने कैसे करेंगे, किन किन बातों पे डिपेंड करेगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर लाइट तो ठीक से जैसा जाइए, ठीक से जाइए हम। थोड़ा सा वो गिलास कहाँ रखे हैं, गिर के फूल जाएगा, उधर रख दीजिए, उधर उस साइड होगा। यहाँ पर गेट बंद कर दीजिए, कहा ग्रेविटेशन फोर्स है ना, दो पार्टिकल के बीच, दुनिया के दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दुनिया के हर ऑब्जेक्ट में मास होता है और मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्शन ही होता है, रिपल्सन नहीं होगा वहां है ना, ये मेन मैटर है। न्यूटन ने ये कहा कि दो दो मास वाले बॉडी के बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है, दोनों मास के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा है ना, दोनों मास के मैग्नीट्यूड पे, डिफरेंट मास भी हो सकता है दोनों, ठीक है, दो डिफरेंट मास का भी ऑब्जेक्ट होगा फिर भी उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, एक दूसरे को अपनी ओर पुल करेगा, अट्रैक्शन मतलब पुल करना, रिपल्सन में होता है ना पुश करना, तो पुश नहीं कर सकता है वो, एक दूसरे को अपनी ओर पुल करता है, खींचता है। ठीक है, ये दो बातों पे डिपेंड करेगा, दो बातों पे आप पढ़ेंगे आगे की ओर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे जिसमें आप देखेंगे कि वहां पे मीडियम पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी मीडियम हो है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिसमें मास है, मास तो हर ऑब्जेक्ट में है, कोई भी ऐसा एक, ये देखिए एयर पार्टिकल की बात कर रहा हूं जो हमें दिख नहीं रहा है, हमारे सामने एयर पार्टिकल है ना चारों ओर, वो उसमें भी मास है, उस पार्टिकल के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक, क्योंकि मास के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना, तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है, एक उसके मास पर और दूसरा उसके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, बीच के डिस्टेंस पे, दो मास वाले बॉडी के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए आप,
तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा वहां, और डिस्टेंस को अगर आप कम कर देते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स उसके बीच के बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, दो बॉडी के बीच, दो ऑब्जेक्ट वाले के बीच में जो फोर्स लगता है दो बातों पर डिपेंड करता है। इसके बीच में ये रिलेशन देखा गया कि जब मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं तो बढ़ रहा है। आप देखिए कि दो का मास अगर बढ़ा देते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा दीजिए, 1 kg का दोनों ऑब्जेक्ट है, तो उसको उसके बीच जो मास फोर्स अप्लाई होगा, अगर वो 5 kg वाले दोनों ब्लॉक 5 kg का होगा तो उसके बीच मास 5 times हो जाएगा, 5 गुना बढ़ जाएगा। 10-10 kg का होगा तो बढ़ जाएगा उसी रेंज में, है ना। तो आप देख लिए कि मैग्नीट्यूड बढ़ाने से फोर्स बढ़ता चला जाता है। अब डिस्टेंस के साथ क्या होगा, डिस्टेंस अगर 1 meter डिस्टेंस पे रखे हैं तो जितना भी फोर्स लग रहा होगा उसकी दूरी बढ़ा देने पे फोर्स कम हो जाता है ना, फोर्स डिक्रीज करता रहता है, और डिस्टेंस को अगर आप कम कर देते हैं तो फोर्स बढ़ता चला जाता है, ऐसा दिख रहे होंगे। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आइए इसके रिलेशन को लिखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे इस पे, न्यूमेरिकल इससे आता है। देखिए कहा गया, हमारा चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, ठीक। इसमें सबसे पहला हमें पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको न्यूटन ने इसके बारे में बताया था, क्या कहा था कि यूनिवर्स में जितने भी मास है, मास वाला जो भी ऑब्जेक्ट है सब में मास होता है, और मास वाले बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे है, इसका मास m2 है, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखा गया है, तो क्या रिलेशन होगा इसके बीच में, ये इसको अपनी ओर पुल कर रहा है और ये इसको अपनी ओर पुल कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है दोनों, ये भी इधर क्यों फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसके बीच का रिलेशन, क्या होगा, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे। तो देखा गया इसके बीच का रिलेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास m1 और m2, यही होता है, पहला रिलेशन मिला इसे। दूसरा रिलेशन देखा गया कि फोर्स डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपने देखा, 1/r² हो जाएगा। देखिए दूसरा रिलेशन आ गया, जब इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, जब कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा m1 m2/r² होगा ना ये। अब जब प्रोपोर्शनल को तोड़ा जाएगा तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जी आता है इसमें, जी आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे जिसमें के लिखा जाता है, जब भी हम प्रोपोर्शनल को तोड़ते हैं तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के आएगा वहां, ठीक है सत्यम। देखिए तो इफ
इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जब प्रोपोर्शनल तोड़ेंगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कुछ वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज आते हैं, जैसे g होगा वो, और यहाँ पे m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहा जाएगा। कॉल्ड यूनिवर्सल यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोपोर्शन, इसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को क्या नेम दिया गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहा जाता है। ये कांस्टेंट वैल्यू आता है, जब भी प्रोपोर्शनल तोड़ते हैं तो कांस्टेंट कुछ वैल्यूज रहता है उसमें, इसके बदले ही आ जाता है, ठीक है ना। ये मेन फॉर्मूला आता है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ डिपेंड करता है ये मास पे और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसके बीच क्या रिलेशन होता है वो देखा आपने, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दुनिया के हर ऑब्जेक्ट में, हर मास वाले बॉडी के बीच, और हर ऑब्जेक्ट में मास होता ही है, इसमें ये नहीं सोचना है कि किस बॉडी में मास है और किस में नहीं है, ये खोजना ही नहीं है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। मैं कह तो दिया कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए, जो एयर का पार्टिकल है जो हमें दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है एटम, एयर का एटम, उस पर उसमें भी मास है। तो दो एयर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स अप्लाई होता है, और वो कौन सा फोर्स लगता है, यही लगता है, यही फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होगा, पुशिंग फोर्स नहीं होगा, ओनली पुलिंग फोर्स होता है, एक दूसरे को पुल करता है, ये पुलिंग फोर्स लगता है, समझ गए ना। ये बातें होती है। अब सवाल है कि आपको ये जी का वैल्यू मेजर करना पड़े। इसमें एक और बात ध्यान रखिए, अगर ये मास को 1 kg कर दिया जाए, 1 kg मास, ये मास 1 kg हो और डिस्टेंस भी 1 meter के डिस्टेंस पे रखा जाए, तो फोर्स किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में 1 kg वाले मास, 1 kg मास वाले दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर 1 kg मास और 1 meter के डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लगेगा, जी के बराबर लगेगा। और जी का वैल्यू क्या होता है, इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10^-11। क्या यूनिट होगा, यूनिट क्या लिखिएगा इसका, जी का, एफ है इधर न्यूटन, आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। इसका यूनिट होगा बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर समझ में, तो इतना फोर्स अप्लाई होता है। अगर यूनिट केजी मास की बात करते हैं, यूनिट केजी वाले ऑब्जेक्ट के बीच, यूनिट दो यूनिट 1 kg वाले दो ऑब्जेक्ट को अगर 1 meter के डिस्टेंस पे रखेंगे तो उसके बीच में फोर्स हमेशा इतना ही लगेगा, ये फिक्स है। अब आप देखिए मास को कंपेयर करते जाइए, 2 kg वाले के बीच होगा, डबल कर दीजिए इसका डबल, 3 kg ट्रिपल कर दीजिए, 5 kg, 5 kg वाले दो ऑब्जेक्ट है तो उसमें ऐसे कर, ठीक ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना, ये हम लोग लिख रहे हैं। हेंस फोर्स बिटवीन
टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास यूनिट केजी प्लस दैट यूनिट मीटर डिस्टेंस देन एफ इज इक्वल टू जी, तो उसके बीच में फोर्स एफ इज इक्वल टू जी होगा। ठीक है, आइए इसको कंप्लीट कर लें। अकॉर्डिंग टू न्यूटन in universe force between two objects are always attractive हमेशा attractive होता है। ओके, तो मान लीजिए लेट कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाएगा। डिपेंड्स अपॉन मास एंड डिस्टेंस मास और डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ये रिलेशन क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभी ठीक है ना आयुष? ओके, आ रहा समझ में आयुष?
माधव समझ में आ रहा है ना? ठीक, देखिए देखिए आप, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, और यही फोर्स डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है? चलिए बच्चों इसको नोट करिए, ऐसा कर तो आ रहा हो, समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए। जो मास वाले ऑब्जेक्ट है इसके बीच में ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स यही अप्लाई होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, माधव स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके, ओहो, देखिए इसमें क्या होगा, जैसे ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स है तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, टू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास Thank you.
5-10 kg are placed 100 meter apart. Okay. Find gravitational force of attraction between them. मुझे करना है, आपके पास 1 मिनट टाइम है, ट्राई करिए इसे। कुछ सॉल्व करिए, मैं 1 मिनट में आया।
क्या सॉल्व हो गया आयुष? आंसर क्या आया है माधव? सत्यम? आयुष क्वेश्चन बन गया ये? देखिए क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे जानते हैं। टू स्फेरिकल बॉल है और जिसका मास है 10 kg, दो स्फेरिकल बॉल बनाइए। देखिए ये और एक दूसरा ये है, दोनों का मास है 10 kg, मास लिख दीजिए 10 kg, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 meter, 100 meter अपार्ट बीच का डिस्टेंस r इक्वल टू 100 meter गिवेन है। अब इसी के बीच का फोर्स बताइए क्या है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो f इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, g का वैल्यू क्या लिखे थे? 6.67 इंटू 10 power -11 इंटू मास क्या है बच्चों? 10 × 10 और ये क्या है? 100 का स्क्वायर। क्या सॉल्व हो जाएगा? अब तो कैलकुलेशन है, क्या कीजिएगा? 0.6.67 इंटू 10 power -11 इंटू ऊपर क्या होगा? 100 अपॉन इसका, ये तो 100 है, 100 का स्क्वायर है बच्चे, 100 का स्क्वायर मतलब 10 power 4 होगा, क्या आएगा? 6.67 इंटू 10 power 11 इंटू इसका 10 power 2 है और नीचे 10 power 4 है, क्या करिएगा? 10 power 2 और ऊपर में जब आएगा ये तो -4 हो जाएगा। 6.67 इंटू 10 power -11 इंटू 10 power -2 तो अब कितना होगा? 6.67 इंटू 10 power -11 और -2 कितना होगा? -13 यही आ जाएगा, इतना न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है ना? वेरी इजी क्वेश्चन। वेरी गुड, ठीक है उस, बिल्कुल सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ऐसा करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए अब इसे ही रेज करता हूं। Thank you.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पार्टिकल्स ऑफ मासेज 1 kg एंड 2 kg टू पार्टिकल्स ऑफ मासेज 1 kg एंड 2 kg आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 50 cm सेंटीमीटर है. अज्यूमिंग दैट द ओनली फोर्सेज The only forces acting on the particles on the particles are their mutual gravitation. Mutual gravitation. Find the initial acceleration of the heavier particle. Find the initial acceleration of the heavier particle ठीक है क्या सॉल्व हो जाएगा एक मिनट टाइम है आपके पास सॉल्व करके बताइए आयु सोल्व हो जाएगा के ठीक है ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन करा टू पार्टिकल्स ऑफ मासेज 1 kg एंड 2 kg आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 50 cm ओके तो पहला लाइन का तो क्लियर है कि दो पार्टिकल 1 kg और 2 kg का है इसको ड्रा करिए पार्टिकल है छोटा सा पार्टिकल है तो पॉइंट दिखा दीजिए एक पार्टिकल यहां और ये क्या ये 1 kg का है इसका वजन क्या है 1 kg इसमें m1 = होगा 1 kg
एम टू इज इक्वल टू 2 kg है, और डिस्टेंस क्या है बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, आर इज इक्वल टू 50 cm है, मतलब कितना मीटर, 50/100 ना इक्वल टू 0.5 meter, इतना इंफॉर्मेशन गिवन है। तो फोर्स मेजर करना है, फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, जी m1 m2/r2, जी का वैल्यू गिवन है 6.67 × 10⁻¹⁻ इंटू मास क्या है 1 × 2, और ये क्या है डिस्टेंस क्या है 0.5 का स्क्वायर है। देखिए वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, तो आएगा ये 6.67 × 10⁻¹⁻ × 2/ क्या होगा, ये बोलिए 0.25 होगा। इस पॉइंट को हटाकर ऊपर 2 0 रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 6.67 × 10⁻¹⁻ और 25 से कितना बार में कटेगा, 8 times में ना, चल 8 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 8 × 56 5 48 और 5 53 5 और फिर 48 और 5 53, फिर 2 digit के बाद पॉइंट जाएगा और 10⁻¹⁻ न्यूटन आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल एक्सीलरेशन किस बॉडी का, हेवियर पार्टिकल का, इस दोनों में हेवियर पार्टिकल कौन है, 1 kg या 2 kg, 2 kg हेवियर पार्टिकल है, तो इसका एक्सेलरेशन मेजर करना है। फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए होता है, लेकिन हेवियर पार्टिकल तो एम टू है, तो आप एम टू ए लिखिए, और यही ए मेजर करना है, एफ इक्वल टू एम टू होगा, एफ क्या है 53.36 × 10⁻¹⁻ डिवाइडेड बाय एम टू क्या है 2 kg, 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, इसमें डिवाइड करेंगे क्या होगा 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, ओके, फिर 2 × 6 = 12 और 2 × 8 = 16, 9 × 10⁻¹⁻ ना क्या होगा इसका यूनिट m/s² है ना। बेस्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन का है ना प्रॉब्लम अप्रोच यही होता है कि लैंग्वेज को हम पढ़ें और लैंग्वेज के अनुसार फिगर ड्रा करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला में कौन कौन सा वैल्यूज गिवन है उस पर ध्यान रखना है, ठीक समझ गए होंगे। आ गया सभी लोगों को समझ में, माधव आ रहा है समझ में, के वेरी गुड। हाँ इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, इस पे अभी बहुत सारा क्वेश्चन करना है, आज बहुत बहुत ही कम स्टूडेंट लाइव ज्वाइन किया है, इसलिए कम टाइम ही छुट्टी दे दूंगा, आज संडे की छुट्टी मनाने में सब बिजी है।
नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट संडे को, संडे संडे 3 आवर्स का रहेगा, 3 आवर्स का ये रहेगा। तो सबको पहले इस वीक में सभी स्टूडेंट को रेडी कराने के बाद फिर अगले संडे को 3 आवर्स की क्लास होगी। आज जो पढ़े इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसको अपना रिवीजन में रखना है। वीडियो अवेलेबल है, फर्स्ट वीडियो अवेलेबल है। मन तो लग रहा है, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे हम लोग। हाँ ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे आप। और भी कोई फ्रेंड हो तो उसे ऐसे मैसेज तो सबको दे दिया गया था, ज्वाइन करना चाहिए था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्रेविटेशन का आज फर्स्ट क्लास है, 3 संडे 3 से 4 संडे में से ये समाप्त हो जाएगा। और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, जो भी फ्रेंड मिले उसे ज्वाइन कराइए, उसे बताइएगा। संडे को 7 to 10, आज फर्स्ट डे था, बहुत सारे बच्चे को जानकारी नहीं थी, इसलिए ज्वाइन नहीं किया है। आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टीज को बढ़ते हुए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेशनरी पार्टिकल्स ऑफ मासेज M1 एंड M2 आर डी डिस्टेंस अपार्ट। The third particle lying on the line joining line joining the particles experiences no resultant gravitational force। No resultant gravitational force। Okay, what is the distance of this particle from M1? What is the
डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम M1 के M1 से इसका डिस्टेंस पता करना है। क्या कीजिएगा, ट्राई करिए क्वेश्चन को, पहले एक मिनट टाइम है, ट्राई करिए आप लोग रफ में, रफ नोटबुक पे से ट्राई करिए कैसे होगा। क्वेश्चन को समझने में दिमाग लगाइए माधव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। इक्विलिब्रियम कहा जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में बहुत सारे केसेस पढ़ाऊंगा मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी वही केस है, करा है ना। यहाँ पर एक्सपीरियंसेज नो रिजल्टेंट फोर्स, नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। आइए क्या कह रहा है, टू स्टेशनरी पार्टिकल्स ऑफ मासेज M1 एंड M2 आर डी डिस्टेंस अपार्ट, एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और एक थर्ड पार्टिकल जो है वो दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के बीच में रखा हुआ है। देखते हैं, जो पार्टिकल है M1 और एक है M2, M1 और M2 दो पार्टिकल है जो एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे रखा है, एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। फिर इसमें एंट्री होती है थर्ड पार्टिकल की, थर्ड पार्टिकल लाइंग ऑन ए लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, इसका लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल्स कौन सा, ये है ना लाइन ज्वाइनिंग, इसी के पर एक कहीं पर एक पॉइंट है जहां पर इसको थर्ड पार्टिकल्स को रखना है, और इस पार्टिकल का मास क्या होगा, स्मॉल m दे रखा है ना। लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स एक्सपीरियंसेस नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स।
थर्ड पार्टिकल्स जिसका मास है स्मॉल m है बच्चों, मास m, ठीक, इसे काम कर रहा है। तो आखिर इस थर्ड पार्टिकल को आप कहां पे रखेंगे, रखे हैं ये कितने डिस्टेंस पे है, इसे आप मान लीजिए कि ये r डिस्टेंस या x डिस्टेंस मान लेते हैं, ये यहां से x डिस्टेंस पे है, तो फिर इस m2 से ये कितने डिस्टेंस पे कहा जाएगा, टोटल तो d है, तो ये होगा d माइनस x डिस्टेंस, यहां से यहां तक x डिस्टेंस बच्चों, तो इधर कितना डिस्टेंस बचेगा, ये टोटल कितना है d है, और ये हुआ x, तो इधर क्या होगा d माइनस x, ठीक है। मुझे लगता है मैंने छोटा फिगर बना दिया, ठीक है, आ गया होगा समझ। तो आइए इस पे फोर्स मेजर करना, यहां पर रिजल्टेंट फोर्स है ना, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, कारण नो एक्सपेरियंसेस रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा इस ब्लॉक पे, मतलब क्या, ये इसको इधर पुल कर रहा है, ये ब्लॉक इसको अपनी ओर पुल कर रहा है, ये इसको इधर पुल कर रहा है, ठीक है, ये एम मास का है, इस दोनों का भी डिफरेंट मास है, इस दोनों पार्टिकल का भी डिफरेंट मास है, तो जो हेवियर होगा वो ज्यादा अपनी ओर खींच पुल करेगा, और जो वीकर होगा है ना, हेवियर, और जो वीकर होगा है ना, जिसका हल्की वेट होगी, लाइटर होगा, जो लाइटर होगा, स्लाइटर होगा, मतलब हल्की वो ऑब्जेक्ट वाली जो होगी वो क्या करेगा, इसको अपने ओर पुल करेगा, तो पुल करने में ये थर्ड पार्टिकल्स किधर को मूव करेगा, जिधर मास ज्यादा है, जिधर हेवियर पार्टिकल है उधर को मूव करेगा, ये हेवियर पार्टिकल की ओर मूव करेगा। तो एक टाइम आएगा ना, जैसे इधर वाला का मास, ये मान लीजिए स्लाइटर है, हल्का है ना, लाइटर, लाइटर पार्टिकल्स है, लाइटर और हेवियर, और ये हेवियर है, ये थर्ड पार्टिकल को खींच रहा है, तो थर्ड पार्टिकल खिंचाते खिंचाते एक बार ऐसे आता है और एक जगह आकर रुक जाता है। आप देखते हो ना, दो बॉडी है, आप अगर वीक पड़ रहे हो तो आप इसके तरफ स्लिप करते चले जाते हैं, जाते 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 एक टाइम आता है कि आप रुक जाते हैं, अब यहां पर ना वो मुझे खींच पा रहा है, ना मैं खींच रहा हूं उसको, मतलब यहां पे वो थर्ड पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो कहा जाएगा। क्यों, मैं तो पहले उसी के डायरेक्शन में जा रहा था ना, क्यों डिस्प्लेस हो रहा था मैं उसके तरफ, क्योंकि मैं लाइटर था, हल्का था, और उसका मास ज्यादा है, तो मुझ पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करके खींच रहा है, लेकिन मैं अभी तो रोक रहा हूं ना उसको, खींच रहा हूं इधर, एक टाइम आएगा कि वो वहां पर रुक जाएगा कंप्लीट, ये इवेंट होता है। विजुअलाइज होना चाहिए बच्चों, कोई कंसेप्ट जो आप पढ़ते हैं ना वो दिखना चाहिए, सोचिए वैसा कैसे होता है। तो मतलब यहां पर नेट फोर्स जीरो है, इसके और इसके बीच का जो फोर्स होगा और इसके इसके बीच का जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा, एक इस जगह पे नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने पर आप लिखेंगे F1 is equal to F2 लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, रिजल्टेंट Fg is equal to जीरो कर है ना, यहां पे एक्सपीरियंसेस नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ना दिया हुआ। अब इसके बीच जो फोर्स लगेगा उसको क्या लिखेगा, जी एम वन एम अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर वाला के बीच क्या होगा, जी एम टू एम अपॉन
डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों होगा, समझ में आया? क्योंकि रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है, दोनों साइड का फोर्स इक्वल होगा तभी जीरो हो सकता है, मतलब नेट फोर्स उस थर्ड पार्टिकल पे जीरो है, दोनों साइड का फोर्स इक्वल हुआ तब तो जीरो है, नहीं तो डिस्प्लेस करता किसी साइड में, जिधर का ज्यादा फोर्स होता उधर डिस्प्लेस कर जाता, हेवियर बॉडी की ओर डिस्प्लेस कर जाता। अब यही सी में आपको एक्स मेजर करना है, कर रहा है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम एम वन, एम वन से इसका डिस्टेंस क्या है, एक्स है, एक्स मेजर करना है। अब तो यह कैलकुलेशन है, जी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड है, स्मॉल एम भी कैंसिल होगा, क्या बच गया, इधर बच गया आपका एम वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या बच गया बच्चों, एम टू अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर एम वन है और आपको एक्स मेजर करना है, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, एम वन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एम टू एक्स स्क्वायर। ओके, यहां पे एम वन है, एम वन क्या करते हैं, एम वन को इधर डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर लाते हैं, इधर हो जाएगा बच्चों डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम टू बाई एम वन। ठीक है, बहुत ही कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा, इधर दोनों में स्क्वायर है, होल स्क्वायर है ना, मतलब इस दोनों के बदले मैं होल स्क्वायर लिख दूं, होल स्क्वायर डी माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एम टू अपॉन एम वन। अगर इसको होल स्क्वायर को इधर लाकर रूट कर दीजिए, ये क्या होगा बच्चों, डी बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, एम टू अपॉन एम वन का रूट अंडर, क्योंकि उधर का स्क्वायर जाने पर रूट होगा, इस वन को लाकर इधर ऐड कर दीजिए, डी अपॉन एक्स इक्वल टू रूट अंडर एम टू अपॉन एम वन प्लस वन होगा, समझ गए ना। फिर x को हम इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे बच्चों, तो x इक्वल टू फाइनल मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप जानते हो, इधर आ जाएगा ये इन्वर्स हो जाएगा, x को आप इधर लाएंगे, ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट एम वन अपॉन रूट अंडर एम टू प्लस रूट अंडर एम वन, ये होगा आंसर। अगर M2 से इसका डिस्टेंस पूछेगा तो क्या करेंगे, D माइनस एक्स मेजर करेंगे ना, X मिला हुआ है और D माइनस एक्स कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा दीजिए, बार बार ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। आशा करता हूं समझ गए होंगे, एक एक स्टेप सीख गए होंगे बच्चों। जब भी इस टाइप का बहुत ज्यादा नीट और जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस पे एक क्वेश्चन रहता है, तो फोर्स मेजर करना बहुत आसान भी है। लैंग्वेज को देखें, लैंग्वेज में प्रॉब्लम अप्रोच क्या था, लैंग्वेज को पकड़ने में आपको ये ध्यान रखना है, एक लाइन को पढ़िए उसके अनुसार फिगर ड्रा करिए, फिर अगले लाइन के बारे में सोचिए क्या कर रहा है फिगर में, फिर उसके बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या करना है, इधर तो कैलकुलेशन है, मेन मैटर कहाँ तक है, क्या ये होल कैलकुलेशन को हमें ध्यान देने की जरूरत है, नहीं, आपको सिर्फ ध्यान देना है यहाँ फिगर, लैंग्वेज समझकर इसके फिगर को समझना है, टू स्टेप, और थर्ड स्टेप में आपको ये यहाँ पर ध्यान देना है, बस इधर तो कैलकुलेशन है, इसको आप ये मत लीजिए कि यहाँ पर फिजिक्स के कारण ऐसा हो रहा है, नहीं नहीं, ये भी सिक्स सेवन क्लास का मैथ है ना, सेवन क्लास में आप सिंप्लीफिकेशन पढ़े होंगे, सिंप्लीफिकेशन फाइव या सिक्स क्लास में ही, तो वो है सिंप्लीफिकेशन है बच्चों, यहाँ पर ये इतना जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सिंप्लीफिकेशन है, इस पर आप फोकस नहीं करिए, अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो आप समझिए वो बेसिक हमारा प्रॉब्लम है, जो आसानी से क्लियर हो जाएगा, वो समझना है हमको इतने बड़े क्वेश्चन का, कल ये मेन
मेन इसका टेक्निक टिप्स कहाँ पे, यहाँ पे ही है, मेन कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, हमें इस बात का ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आयु सारा समझ में, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होने पे हो जाएगा। अभी तो मैं एक एक स्टेप सिखाया हूँ, तो वहाँ पे आप वीडियो पॉज करके, लाइव है तो अपलोड भी हो जाता है, इसे वीडियो पॉज करके मैं जैसे एक एक स्टेप को मैं एक्सप्लेन किया हूँ, उसे स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। आप इन कारण एक एक स्टेप को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो सिर्फ कंसेप्ट पे लाकर छोड़ दिया जाता है, टारगेट वाले बच्चे को छोड़ दिया जाता है, बाकी आगे कैलकुलेशन कर लेता है। तो आपको अभी इस कैलकुलेशन पे, बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, एक दो क्वेश्चन में देखेंगे बस अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन में हमें क्लियर करने की जरूरत है, कुछ ही क्वेश्चन में ऐसे करने की जरूरत है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मन लग रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में, यस।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टू पार्टिकल्स इच ऑफ इक्वल मास m move along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. देखिए फाइंड द स्पीड ऑफ इच पार्टिकल. ट्राई करिए, एक मिनट टाइम है आपके पास.
आयुष बन जाएगा, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक, लैंग्वेज को देखिए, लैंग्वेज क्या कह रहा है क्वेश्चन का। टू पार्टिकल्स ईच ऑफ इक्वल मास, दोनों का मास इक्वल है, एम है, मूव अलोंग ए सर्कुलर सर्किल ऑफ रेडियस आर, दोनों सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, तो दोनों के बीच का रेडियस होगा ना, जिस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उस सर्किल का रेडियस होगा, रेडियस होगा उसमें। अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स, दो मास वाले पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मास वाले पार्टिकल में एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। सर्कुलर मोशन में आप पढ़ेंगे है ना, पढ़े होंगे, सर्कुलर मोशन में पढ़ना है कि कोई दो मास वाले पार्टिकल के बीच, दो मास वाले पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ पे मूव करने का कारण है कि उसके सेंटर की ओर फोर्स अप्लाई होता है। मास वाले मास के बीच तो फोर्स आप जान ही रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दो मास वाले बॉडी के बीच अंदर की ओर फोर्स लगता है, सेंटर की ओर लगेगा ना, सेंटर की ओर फोर्स लगेगा। ये सेंटर की ओर फोर्स किससे मिलता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं जो सेंटर की ओर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जो क्या होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सर्कुलर मोशन में ये पढ़ना है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो लैंग्वेज के अनुसार फिगर ड्रा करिए, पहले लैंग्वेज में कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल देखिए, एक पार्टिकल ये है, एक दूसरा पार्टिकल ये है, दोनों का मास सेम है। देखिए कैसे मैं आप ही के जैसा अनजान अननोन बनकर मैं क्वेश्चन को सोच रहा हूं, वैसे ही आप भी किसी भी क्वेश्चन पे सोचना स्टार्ट करिए। इस लैंग्वेज जैसे कह रहा है वैसे तो आप भी फिगर बना सकते हैं। आप कहेंगे सर ठीक है, ये एम जा रहा है इधर ऐसे आ गया, और ये एम इधर से आकर ऐसे घूम रहा है अपना, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ बन गया, इसका रेडियस होगा, इसका रेडियस आर है, आर रेडियस है, तो इसके बीच में जब मूव कर रहा है तो वेलोसिटी होगा ना, इसमें वेलोसिटी होगा, इसका भी वेलोसिटी उधर, और ये इधर मूव कर रहा है, आर दिया हुआ, मास दिया हुआ है, तो यहां पर इसका इसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये वाला इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है, इसका ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस फोर्स के बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर इसके सेंटर के बीच जो फोर्स प्रोवाइड, जो फोर्स आ रहा है वो कौन सा फोर्स, कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है, यानी ये बराबर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, एफसी का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए बॉडी के बीच में सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ऐसे डिटेल में आप सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या लिखूं मैं बताइए आप, जी एम इंटू एम अपॉन कितना डिस्टेंस होगा, एम और एम के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इतना आर है, ये क्या होगा आर, मतलब टू आर हो जाएगा ना, कहीं भी जाएगा, यहां भी आएगा तो यहां पर ये आ जाएगा, टू आर होगा, हमेशा टू आर इसके बीच का डिस्टेंस होगा। टू आर का स्क्वायर इक्वल्स, ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है,
सर्कुलर मोशन में आप पढ़े होंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है बच्चों, बस ये कंसेप्ट है। अब इसके आगे कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन, 6-7 क्लास का मैथ। तो इसीलिए टारगेट वाले बच्चे के वो यहाँ पे लाकर ही छोड़ दिया जाता है, आगे वो क्वेश्चन खुद से कर लेता है। आइए इसको आप कैलकुलेट करके आपको कह रहा है क्या निकालने के लिए, इसका स्पीड जो भी निकालना है, भी मेजर करना है, उस पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा ये बताना है। तो आइए कैलकुलेट करिए, एक एम से एम करके कैंसिल हो गया, और कुछ हो सकता है कैंसिल, बिल्कुल होगा, यहां पे जी एम अपॉन 4R² इक्वल टू यहां पे क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहां आया जी एम अपॉन 4R इक्वल टू वी स्क्वायर। तो जो वी इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर जी एम अपॉन 4R। अब बताइए क्या लिखेगा आप, इस 4 को बाहर कर दीजिए, 1/2 रूट अंडर जी एम अपॉन आर, तो इसका आंसर होगा, है ना, वेरी इजी क्वेश्चन। लेकिन आपको ये क्वेश्चन का टाइप करने से क्या आइडिया मिलता है, हमें ये आइडिया मिलता है कि हमें किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ये एक टाइप है। अगर वेलोसिटी पूछेगा तो हम इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सोचेंगे, वहां पे डिस्टेंस मेजर करना था थर्ड पार्टिकल के बीच था, उसका भी कुछ अलग ही करना था। तो एक कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस को जो आपके नोटबुक में मैं करा रहा हूं इसे बार बार रिवाइज करते रहिए, वीडियो भी आपके सामने रहेगा, तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसे बार बार रिवाइज कर सकते हैं, जहां भी डाउट हो आप पॉज करके फिर रिपीट करिए, फिर रिवाइज करते रहिए, लेकिन सीख कर रहिए, आपके मन में लगन होगा कि हमें सीख कर रहना है, सीखना है, तो आप सीख जाएंगे। लगन नहीं होने पे नहीं, कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ करने के लिए त्याग करना पड़ता है, हर चीज आप मल्टी टैलेंटेड नहीं हो सकते हैं, यानी कि चलो थोड़ा खेल भी लेते हैं, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा हर काम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो कहीं का नहीं रह जाएंगे, किसी एक काम को लग कर करिए, जम कर करिए, और वो सफलता न दे तो आप कहिए, खेलना है खेलने में चले जाइए, क्रिकेट ही खेलिए, फुटबॉल खेलिए, जो खेलिए, और पढ़ाई करना सिर्फ पढ़ाई में लग जाइए, ठीक, कम से कम दूसरे साल में टाइम देने का कोशिश करिए, ओके। तो आशा करता हूं आप सीख गए होंगे इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जो स्क्रीनशॉट हो जाने पे बताएंगे मुझे, माधव हो गया,
आयुष स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट। देखिए जब आप ऐसे क्वेश्चन को यहां पे रिवाइज करेंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगा आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन ये सिमिलरिटी ज्यादा होता है इसमें, 60% सिमिलरिटी होती है। आप यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन फील्ड पढ़िएगा यहाँ, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िएगा। यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़िएगा, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। तो 60% सिमिलरिटी रहता है, क्वेश्चन का भी लेवल बिल्कुल मिलता जुलता रहता है। तो ध्यान रखेंगे यहां जो आप सीख रहे हैं, ये दो चैप्टर कवर हो रहा है यहां पढ़ने से, है ना। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि यहां मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बहुत ही स्टेप वाइज कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन भी आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। अब इतना पे अगर आप नहीं सीखे तो फिर कैसे सीखेंगे। एक्टिविटी आप बिल्कुल अपना एक्टिविटी शो करिए कि आप बहुत ही एक्टिव हैं, है ना, इसके प्रति डिवोटेड है, शो करिए, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अब जो करने जा रहे हैं, क्वेश्चन है ए मास एम इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स एम एंड एम माइनस एम, दो पार्ट में एक मास को स्प्लिट कर दिया गया। विच आर देन सेपरेटेड बाय separated by a certain distance what ratio इसका रेशियो बताना है एम अपॉन एम विल मैक्सिमाइज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम Thank you.
सोचिए, एक मिनट टाइम है आपके पास, कैसे सॉल्व होगा सोचिए जरा इसे। मैक्सिमा मिनिमा आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में, उसे ही अप्लाई करना है। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा रफ में ट्राई करिए, एक मिनट टाइम है आपके पास। ठीक, रफ नोटबुक है ना, रफ कॉपी में ट्राई करना है, रफ करके देख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं इसे। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूं इसे क्या करेंगे। पहले मास एम इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, एम एंड एम माइनस एम, दो ब्लॉक है, एक मास है स्मॉल एम और दूसरे का क्या है एम माइनस एम है, जो सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस डी, यहां से सेपरेटेड है डी डिस्टेंस पे। ठीक है, ये तो इंफॉर्मेशन दिया क्वेश्चन करें, व्हाट इज व्हाट्स रेशियो, व्हाट रेशियो एम बाय एम विल बी मैक्सिमाइज, इसका रेशियो एम बाय एम विल बी मैक्सिमाइज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम मैक्सिमम। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज इक्वल टू क्या होगा, पहले जी स्मॉल एम इंटू एम माइनस एम अपॉन डी स्क्वायर होगा। सवाल है कि एम है और यहां पर एम माइनस एम, क्या करेंगे मैक्सिमा के लिए क्या करना पड़ता है, याद है फर्स्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका जीरो करते हैं ना, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं, तो मैक्सिमा की बात हो रही है, यहां पर भी आप क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल कौन है, कौन वेरी कर रहा है, स्मॉल एम
ये ना वेरी कर रहा है, तो उसी के रेस्पेक्ट में क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है, कांस्टेंट है डिस्टेंस, और डी है वो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, स्मॉल एम वेरिएबल है, इस स्मॉल एम के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कैसा फीलिंग हो रहा है कि हाँ सर स्मॉल एम ही वेरिएबल है? सिर्फ स्मॉल एम को ना देखिए, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, एम पहला एम है और फिर उस एम में से एम को घटाया गया, एम माइनस एम कहा गया, एम और एम माइनस एम, ठीक है। तो मास एम फर्स्ट में एम है, पहला कौन सा एम है, तो उसको तोड़ा है ये इस एम में और फिर एम माइनस एम में, है ना। उस एम को वो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में आपको इसे चेंज करना पड़ेगा फॉर मैक्सिमा डी एफ जी एफ ऑन डी एम इज इक्वल टू जीरो, ये होता है ना। फिर इसको चेक करने के लिए किया जाता है, चेक तो करने की जरूरत है नहीं क्योंकि मैक्सिमाइज कर रहा है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दे दिया है, तो इसको चेंज डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट करना है डी जी एम 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 माइनस एम अपॉन डी स्क्वायर, और किसके रेस्पेक्ट में, डी एम के रेस्पेक्ट में, इसको जो हमें अपॉन डी एम रखेंगे यहां, यही होगा ना। क्या करिएगा इसमें कांस्टेंट कौन कौन सा है, जी है, कैपिटल एम है और डी स्क्वायर है ना, ये तो यहां से जी को बाहर करिए, जी अपॉन डी स्क्वायर बाहर, और फिर यहां पर डी एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एम एम अपॉन डी एम माइनस डी एम अपॉन डी एम, फिर क्या होगा, इतना इज इक्वल टू जीरो है, जीरो के बराबर है, तो यहां पे आ जाएगा ये जी एम, इस एम को बाहर कर दीजिए, जी एम बाई डी स्क्वायर माइनस सॉरी एम भी है यहां पर, एम और एम है तो वन हो जाएगा, ठीक। इससे तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये एम है तो यहाँ एम स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला एम स्क्वायर है, तो अंदर बचेगा वन माइनस यहां पर मतलब सिर्फ इसमें ऐसे लिखिए एम रहेगा जो डीएम बाय डीएम माइनस यहां पर एम स्क्वायर का क्या लिखेगा टू एम, टू एम हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो इससे ये तो मल्टीप्लाई है ना इधर, तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और डीएम डीएम वन हो जाएगा, मतलब क्या आएगा हमारा, अच्छा एम माइनस टू एम इक्वल टू जीरो, एम बराबर क्या आएगा टू एम। अभी हमको रेशियो किसका निकालना है, स्मॉल एम ऊपर और ये नीचे, तो इसको इधर ले आइए, टू को इधर ले जाइए, तो क्या आएगा बच्चा, वन बाय टू इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम, ये रेशियो होगा, समझ गए ना, है ना बेस्ट क्वेश्चन। तो ठीक, आज हम लोग इतना ही पे रुकेंगे, आगे होगा समझ में, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो अधिक से अधिक फ्रेंड को इसे बताइए,
नेक्स्ट वीक में फिर संडे को, नेक्स्ट संडे को 3 आवर्स की क्लास होगी 7 to 10। इतना मन लग रहा है, देख ही रहे हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ। इतने क्वेश्चन करने के बाद रिजल्ट रखा हुआ है। तो जितना फ्रेंड हो सके, मैं जैसे आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ वैसे आप मेरे लिए सिर्फ इतना मेहनत करिए कि जहाँ तक हो सके जितना भी आपके नॉलेज में है उन सबको इसके बारे में बताइए कि लाइव क्लासेस ज्वाइन करो, डेली करो। डेली में कौन कौन सा चैप्टर किस समय चलता है वो बताइए, और फिर संडे को क्या होता है ये बताइए, ठीक, पूरी ईमानदारी के साथ, है ना। आप क्या कर रहे हैं वो मैं तो नहीं देखने जा रहा हूँ, लेकिन आप पूरी ईमानदारी के साथ करिए, आपको फुल एनर्जी मिलेगी, है ना, मेरे ब्लेस्ड के फॉर्म में, मेरे आशीर्वाद के फॉर्म में, ठीक, ओके। जिस तरह से हम भगवान गॉड के बारे में गलत नहीं समझते हैं, हम लोग को लगता है कि वो कहीं से देख रहे हैं, हमारे पल पल हमारे हम पे नजर है उनका, उस तरह से गुरु के बारे में भी गलत नहीं सोचेंगे, ठीक। एक एक स्टेप को सीने कोशिश करिए, क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है, आपको नहीं पता होता आपको एनर्जी मिलती है, है ना, उनके दुआ से, उनके आशीर्वाद से आपको एनर्जी मिलती है, और तभी आप अपने सही डायरेक्शन की ओर चलते रहते हैं। जो इसको डिसोबे करता है ना, उसे आप देखिएगा वो डेविएट हो जाता है अपने पाथ से, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक एक चीज हम लोग सीख रहे हैं, फिर कैसे नहीं क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ पे कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, ठीक। तो अधिक से अधिक बच्चे को ज्वाइन कराइए नेक्स्ट क्लास।